जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दर्शकों आज के वीडियो में आपको एक और ऐसा संकेत बता रहा हूं जो युग परिवर्तन का हमें संकेत देता है मैं बात कर रहा हूं आज के इस वीडियो में श्राद्ध पक्ष की इस बार का श्राद्ध यानी 2023 के अंदर जो सितंबर के अंतिम दिन से जो श्राद्ध पक्ष हमारा शुरू हुआ है पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक का ये जो श्राद्ध पक्ष है इस श्राद्ध पक्ष के अंदर एक दिन की वृद्धि होगी हालांकि उसे वृद्धि नहीं कहा जाएगा लेकिन फिर भी कैलकुलेशन लगाएंगे तो वृद्धि कहलाएगी कैसे कहलाएगी क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही प्रतिप्रदा का श्राद्ध भी निकाला जाएगा और 10 अक्टूबर को मंगलवार के दिन कोई श्राद्ध नहीं रहेगा और अमावस्या तक श्राद्ध रहेगा ऐसे में यदि आप पूर्णिमा तिथि को भी काउंट करेंगे क्योंकि उस दिन प्रतिप्रदा का श्राद्ध रहेगा तो यह सोलह दिन का श्राद्ध पक्ष कहलाएगा और श्राद्ध पक्ष का बढ़ना शुभ नहीं होता है नवरात्रों का बढ़ना शुभ होता है श्राद्ध पक्ष का बढ़ना अशुभ होता है श्राद्ध पक्ष का कम होना शुभ होता है और नवरात्रों का बढ़ना यह भी शुभ होता है अब ऐसा क्यों होता है क्योंकि शुभ दिनों की वृद्धि हमारे शुभ फलों में वृद्धि करेगी और अशुभ दिनों की वृद्धि हमारे अशुभ फलों में वृद्धि करेगी वैसे तो श्राद्ध पक्ष अशुभ नहीं होता है लेकिन अमूमन ऐसी धारणा बना दी गई है कि श्राद्ध पक्ष में कोई नया काम नहीं करते हैं जबकि हकीकत यह है कि श्राद्ध पक्ष पूरी तरह से हमारे पितरों को समर्पित होता है इसलिए श्राद्ध पक्ष को लेकर के किसी भी तरह की भ्रांति आप लोगों को नहीं करनी चाहिए अब दर्शकों को बात आती है कि श्राद्ध पक्ष के अंदर भी ऐसा ही संयोग क्यों बन रहा है जैसा जन्माष्टमी के अंदर बना रक्षाबंधन पर बना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है एक दिन श्राद्ध है ही नहीं यानी कि एकादशी और द्वादशी के श्राद्ध के बीच में एक दिन हमारा ऐसा रहेगा जिस दिन कोई श्राद्ध होगा ही नहीं दस अक्टूबर को मंगलवार का दिन और इस तरह से हम काउंट करेंगे तो पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक सोलह दिन का हमारा श्राद्ध पक्ष होगा दर्शकों इस बात को बहुत आसानी से समझाता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है आपने देखा होगा कि जब प्रातः काल चार साढ़े चार या पांच बजे के आसपास आप देखेंगे जब सूर्योदय का समय होता है सर्दियों में थोड़ा लेट होता है आप देखिए केवल पांच मिनट के अंतराल में अंधेरा गायब होता है और उजाला हमारे सामने होता है लेकिन उस पांच मिनट से पहले पूरी रात होती है और उस पांच मिनट के बाद में पूरा दिन होता है तब कोई बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है बल्कि उस समय के अंदर वृद्धि होती चली जाती है इसी तरह से दो युगों का जो समय होता है संधिकाल जिसे हम कहते हैं जब एक युग की समाप्ति और नए युग की शुरुआत होती है तब इसी तरह का संधिकाल होता है और उसमें पुराने समय की मान्यताएं खंडित होती हैं और नई मान्यताओं को स्थापित करने का माहौल तैयार होता है और इसीलिए परिवर्तन का समय होता है और इस सृष्टि में अगर परिवर्तन आना है तो बिना ग्रहों की परिस्थिति के तो आ नहीं सकता अगर एक भी ग्रह अपना गति प्रभावित कर ले तो इस संसार के अंदर कितने बड़े परिवर्तन आ जाएंगे इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे में ये जो संधि काल का समय होता है इसका एक इस स्पष्ट उदाहरण यह भी होता है कि हमारे तिथि पक्षवार इनके अंदर भी ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि अप्रत्याशित वृद्धि और क्षय इनमें होने लगता है हमारे जो समय की गणना होती है वो भी उस कालखंड में पहुंच जाती है जहां पर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन उसमें शामिल हो जाते हैं कि कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है कि अब क्या होगा किस समय को माने किस समय को नहीं माने जैसे मैं अगर आपसे एक बात कहूं ठीक रात के 12 बजे में एक सेकंड अगर आप जोड़ देंगे तो आपकी तारीख बदल जाएगी दिनांक आपकी बदल जाएगी दिन आपका बदल गया लेकिन परिस्थितियां वही है आप सो रहे हैं तो आप सोते ही रहेंगे क्योंकि उस समय रात्रि का समय है ठीक इसी तरह से यह समय भी ऐसा है संधि काल का समय जब आपको प्रत्यक्ष तौर पर कोई परिवर्तन दिखता हुआ नजर नहीं आएगा दुनिया जैसी चल रही है वैसे ही तो चल रही है लेकिन जब इसको शास्त्रीय यानी कि शास्त्रों के आधार पर तिथि पक्ष की गणना के आधार पर जब आप इस समय की कैलकुलेशन को देखेंगे तो आपको यहां एक बहुत स्पष्ट तौर पर चीजें बदलती हुई नजर आएंगी और वो एक संकेत देती है कि संधि काल का समय है अब हमारी गणनाओं के अंदर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है गणनाओं में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ जैसे इकाई दहाई सैकड़ा और हजार यानी एक से लेकर नौ तक इकाई कहलाएगी लेकिन जैसे ही नौ में एक जुड़ेगा संख्या दस होगी और यहां पर दहाई शुरू हो जाएगी डबल डिजिट शुरू हो जाएगी यानी कि दस से लेकर के दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस नाइनटी नाइन तक यही डबल डिजिट चल रहे हैं यानी इनमें एक जोड़ो दो जोड़ो पांच जोड़ो कितना जोड़ो उसकी इकाइयों में फर्क नहीं आ रहा लेकिन जैसे ही नाइनटी नाइन आएगा एक जुड़ेगा संख्या हंड्रेड होगी और हंड्रेड होते ही वो थ्री डिजिट में चली जाएगी और फिर थ्री डिजिट में जाने के बाद ट्रिपल नाइन तक उसकी गणना थ्री डिजिट की ही रहेगी इसी तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो सस्ती का समय चल रहा है ये 999 की कैलकुलेशन आ चुकी है अब जैसे ही इसमें एक जुड़ेगा यह संख्या बल हजार का हो जाएगा यानी फोर डिजिट का हो जाएगा और फोर डिजिट से फिर एक संख्या बल शुरू होगा जो नौ हजार नौ सौ निन्यानवे तक चलेगा इसे ही परिवर्तन का समय कहते हैं मैंने आपको डिजिट के माध्यम से समझाया इसी तरह का एक परिवर्तन का समय है जब इस प्रकृति के मूल स्वरूप के अंदर एक अंतिम पड़ाव चल रहा है जहां पर जैसे ही कुछ ऐड होगा ऐड तो जरूर होगा क्योंकि ग्रहों की गति है तो वो अपना प्रभाव इसमें ऐड जरूर करती है जैसे ही यहां पर उनका प्रभाव पूरी तरह से इसमें शामिल होगा एक नए आयाम एक नए डिजिट एक नए संख्या बल और एक नए सृष्टि के युग का निर्माण होगा जो हमें आगे आने वाले बहुत लंबे समय तक देखने को मिलेगा अब इसको मैं और अच्छी तरह से समझाता हूं आपको जैसे दस से लेकर के और निन्यानवे तक की संख्या बल को अगर आप जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हंड्रेड से लेकर के और ट्रिपल नाइन तक की संख्या को आप जोड़ेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा बनेगी ठीक इसी तरह से आप देखिए भगवान राम के समय और भगवान कृष्ण के समय के बीच के अंदर लगभग ढाई हजार साल का फर्क है सात साल पहले भगवान राम के जन्म का नासा डेटा देता है कि ये जो काल है वो उस समय का है उनके ढाई तीन हजार साल के आसपास भगवान श्री कृष्ण आ गए अब भगवान श्री कृष्ण के बाद में पांच हजार से भी ज्यादा समय का समय लगा इस परिवर्तन को आने में और अब जो अगला परिवर्तन आएगा वो लगभग पंद्रह बीस हजार साल के बाद आएगा इसीलिए दर्शकों ये सारे के सारे इंडिकेशन एक बहुत बड़े युग परिवर्तन के हैं और ये जो तिथि पक्ष का क्षय हो रहा है वृद्धि हो रही है जो हमारे वार त्यौहार प्रभावित हो रहे हैं ये इस बात का इंडिकेशन है कि हम संधि काल के उस समय में प्रवेश कर चुके हैं जहां से नए युग का सूत्रपात बहुत जल्दी आरंभ होने वाला है इस बात की गणना को समझने के लिए थोड़ी बहुत आपको एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज भी होनी चाहिए थोड़ा आईक्यू लेवल आपका अच्छा होना चाहिए तभी आप मेरी इस बात को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और स्थूल तरीके से भी यदि आप समझना चाहें तो भी मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से बात रखी है कि क्यों ये समय युग परिवर्तन का है और क्यों ये समय हमारे लिए विशेष है क्यों बार बार हमारे वार त्यौहार प्रभावित हो रहे हैं तिथि पक्ष का शय वृद्धि का ये खेल चल रहा है त्यौहारों के अंदर शुभ घड़ी हमारी प्रभावित हो रही है ये सब कुछ परिवर्तन काल के कारण से है और ये अभी आने वाले दो तीन वर्षों तक ये समय ऐसा ही चलेगा उम्मीद करता हूं दर्शकों मैंने आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्नों का समाधान आपको देने की कोशिश की है जिनको आप देख तो रहे हैं लेकिन कोई वैज्ञानिक आधार आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारा रक्षाबंधन का त्योहार क्यों प्रभावित हो रहा है हमारे श्राद्ध पक्ष क्यों प्रभावित हो रहे हैं हमारे कृष्ण जन्माष्टमी के समय पर ये दुविधाएं समय को लेकर के क्यों आई इन सब का वैज्ञानिक आधार मैंने आपको देने की कोशिश की है उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए जय हिंद जय भारत